मंत्री सारंग ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग का किया दौरा। मरीजों की सुविधा के लिए HMIS सिस्टम शुरू करने के दिए निर्देश। मंदसौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन। कहा मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। रायपुर में ब्रिज मोहन ने प्रदेश सरकार पर कसा तंज। कहा हक की लड़ाई लड़ने से रोक रही है सरकार। भोपाल में कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार को घेरा। कहा बिजली कटौती में दुल्हनें बदल रही हैं और सरकार कह रही है कि बिजली पर्याप्त है। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। जोधपुर के चिंतन शिविर में होगा गंभीर मंथन। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे। आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया एमपीसी स्पेशल के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर जिले में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। यह मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। अब इन मेडिकल कॉलेजों में श्रेष्ठ डॉक्टरों की टीम द्वारा उपचार किया जाएगा। तो आपको बहुत अच्छा। पतिनाथ भगवान की जय हो। नीचे का नीचे का। सब सौभाग्यशाली है कि आज नमामि सहस्रलिंगम, आज महादेव जी का पूजन करने का अवसर हमें मिला। वो सब पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करें। प्रदेश आगे बढ़े इसके लिए जनता का सहयोग जरूरी है और पूरे प्रदेश में हर नगर और गांव का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि 8 दिसंबर तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस लौट गए हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। भूपेश बघेल CWC की बैठक में शामिल होने गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अध्यक्षता में CWC की बैठक हुई, जिसमें जोधपुर में आगामी 13, 14 और 15 तारीख को जो चिंतन शिविर होगा उस एजेंडे पर बातचीत हुई। जोधपुर में जो चिंतन शिविर होगा जिसमें जो एजेंडा है, अलग अलग नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें खड़गे साहब को, चिदंबरम साहब को, मुकुल वासनिक जी, भूपेंद्र हुड्डा और राजा बरार, इन लोगों की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी बनी थी। कमेटी के जो अलग अलग विषय है, जिसमें राजनीतिक है, संगठन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक है, कृषि है, इन सब के मामले में कमेटी गठन की गई है, जिसके ड्राफ्ट तैयार किए गए, जिसके CWC में इसकी चर्चा की गई, सोनिया जी के अध्यक्षता में, राहुल जी की उपस्थिति में। और 13, 14, 15 को चिंतन शिविर होगा तो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में मंत्री सारंग ने हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग का दौरा किया। इस दौरान नए बिल्डिंग में सुल्तानिया अस्पताल की शिफ्टिंग का निरीक्षण किया और साथ ही पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। व्यवस्थाओं को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए HMIS सिस्टम शुरू करने के निर्देश दिए। इधर देखो सभी परिजनों से अनुरोध है कि गार्डों के साथ।
तो इधर राजधानी रायपुर में कलेक्टर द्वारा प्रदर्शन क्षेत्र को स्थानांतरित किए जाने को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार लोगों को अपने माल उठाने में रोक नहीं है, लोगों को अपने हक की लड़ाई करने के लिए रोक रही है। सभी संगठन कर्मचारियों और पार्टी के लिए लड़ रहे हैं और इस निर्णय का हम विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धरने के कारण जो रायपुर से 20 किलोमीटर दूर धरना स्थल को परिवर्तित करने का आदेश जारी किया है, ये आदेश पूरी तरह तानाशाही पूर्ण है, लोकतंत्र के विरुद्ध है और ये आपातकाल की याद दिलाता है कि सरकार के विरोध करने वाले लोगों को सरकार से दूर करना, जनता से दूर करना। अगर बूढ़ा तालाब की जो रोड बंद की है, शायद ये इतिहास में पहली बार होगा सरकारें नई सड़क बनाती है, सड़कों को बंद नहीं करती है। अगर वो सड़क चालू कर दें तो मुझे लगता है कि धरने के कारण जो जनता को समस्या हो रही है उस समस्या का समाधान हो सकता है। और धरना स्थल अगर परिवर्तित करना है तो शहर के ही किसी हिस्से में धरना स्थल को बनाया जाना चाहिए, जिससे कि जनता के बीच में अपनी बात को, अपने विरोध को, अपनी समस्याओं को। पूरा मध्य प्रदेश जब बिजली कटौती से हाहाकार कर रहा है, चारों तरफ 45 डिग्री की तापिश में लोग किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं, तब भाजपा के नेता से लेकर मंत्री तक कह रहे हैं कि कोई कटौती नहीं हो रही है, भरपूर बिजली है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा नेताओं की झूठ को ढीठपना बताते हुए कहा कि अखबार छाप रहे हैं कि बिजली कटौती के कारण अंधेरे में दुल्हन बदल गई और बिजली वापस आने पर फिर से फेरे लेने पड़े, लेकिन सरकार अड़ी है कि कोई बिजली नहीं जा रही है, सरकार को कोई लो क्लास नहीं है। भाजपा भी गजब की दो रंगी पार्टी है, जिनके बच्चे उनके पिताजी के कारण MLA बन गए, वो भी चिल्ला के कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा। गिफ्तों को गिनोगे, नीचे से लेके ऊपर तक सैकड़ों लोग परिवारवाद के कारण आपकी पार्टी में आज विधायक हैं, MLA हैं, MP हैं, किस किस का नाम गिनोगे आप। मजे की बात तो ये है कि ये ऐसी पार्टी है कि जिसमें जो है बेटे बच्चे तो छोड़ो आप, गोद लिए बच्चे तक विधायक बन गए। तो जगदलपुर के नगरनार में निर्माणाधीन NMDC स्टील प्लांट में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने NMDC प्रबंधन के सुस्त गति से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रभावितों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी संघ के लोगों ने भी जनप्रतिनिधियों के साथ अपनी कई समस्याएं रखी। जनप्रतिनिधियों ने NMDC के अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि कोपागुंडा में अस्पताल जल्द शुरू किया जाए। आगे भी चलाए, मुझे लगता है इन लोगों ने अपने निजी जमीन हम लोग को दिया। हमारे बस्तर के वरिष्ठ नेता, प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय लोकेश्वर बघेल जी, MLA चित्रकूट राजवन बेंजाम जी और स्थानीय जनपद सदस्य, प्रभावित क्षेत्र नगरना और स्थानीय प्रभावित क्षेत्र के सरपंच और आप यूनियन लीडर और यहाँ के ED और NMDC प्रबंधन के बीच में हम लोग का एक समीक्षा बैठक हुआ। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 2012-13 के बाद शायद ये पहली बैठक होगी। विधानसभा स्तरीय कमेटी आई थी, एक बैठक लेके चली गई, स्थानीय स्तर का ये पहली बैठक हुई मुझे लगता है। हम लोग बीच में अच्छा चर्चा हुआ, एक एक बिंदु पे चर्चा हुआ और डिटेल से चर्चा हुआ, लगभग 2 घंटे से अधिक चली बैठक। और NMDC की हित को लेकर, यहाँ के प्रभावित किसानों के हित को लेकर, यहाँ प्रभावित ग्राम पंचायत की हित को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएँ हुई है। तो निश्चित रूप से कुछ कमियां हम लोग को दिखी भी, माननीय MLA लक्ष्मण बघेल जी ने भी सुझाव दिए, जिला प्रशासन, NMDC और हैदराबाद, ये तीनों के बीच भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का गैप होने के वजह से कुछ कामें जो समय पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है ताकि गैप को मेंटेन करें और जो यहाँ की जो रुके हुए काम, अटके हुए काम, उसको तत्काल करें। ये और इसके अलावा आप लोग के संबंध में भी चर्चाएँ हुई है कि हम लोगों ने
हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उनका भी कहना है कि अगर मैकॉन चला रहा है इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 3 साल के लिए नहीं 10 साल के लिए चलाए, उनका भी सजेशन है और हम लोगों ने भी सुझाव रखा वहाँ पे कि इसको 3 साल नहीं 5 साल नहीं इसको 10 साल के लिए चलाना चाहिए। यह NMDC हैदराबाद प्रबंधन और केंद्र सरकार को यहाँ का सुझाव लिखे हम लोगों ने। अब वक्त चलाएं छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।